जो 35 साल का खुट्टा गाड़ के रखे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का रहा है, उस किला को ध्वस्त करने का काम किया। यहाँ बीजेपी के लोगों ने कोई काम नहीं किया है, जो भी काम करना होगा वो हम ही करना होगा। कोई ना कोई विधानसभा का कोई गांव में कोई टोला में चाहे दुख हो सुख हो वहाँ शामिल होते थे। नामुमकिन को ही मुमकिन करने के लिए हम चैलेंज के रूप में हम संजीव कॉलेज से निकले और बस यहाँ कदम रखे। 1,33,499 वोट देकर जनता ने मुझे चुना है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बम्पर जीत जो है मिली है, इससे इंडिया गठबंधन के तमाम दलों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। तो वहीं कांके विधानसभा जो सीट है इस पर भी जो है इंडिया गठबंधन का कब्जा हो गया, यानी कि इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस प्रत्याशी है सुरेश कुमार बैठा की जबरदस्त यानी जोरदार तरीके से जीत हुई। हम आपको बता दें कि जो दो दशकों से भाजपा का यहाँ पर एक छत्र जो है राज कायम था, उस किले को भी कांग्रेस ने ढहाने का पूरा प्रयास किया, उसमें सफल हो गया। यानी कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है सुरेश कुमार बैठा जो है एक संघर्ष के बाद जो है यहाँ भाजपा को हराने का काम किया। भाजपा के जो प्रत्याशी है जीतू चरण राम को उन्होंने कई वोटों के अंतर से हराया, और वहीं जीत के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा एक संघर्ष था और कई मेहनत भी थी, अब मेहनत और संघर्ष जो है रंग लाई और हमने जीत दर्ज किया। और वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो है अब हमारी जो प्राथमिकता होगी किस तरह से वो उन मुद्दों पर जो है काम करेंगे, इस बातों को मीडिया के समक्ष रखा और वहीं कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है। तो सुरेश कुमार बैठा क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं तो सुनाते हैं आपको। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे लिए इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। अगला कदम आला कमान जो तय करेगा हम उसके निर्णय पर तैयार हैं, जो निर्णय लेंगे जो आदेश करेंगे हम आला कमान पर छोड़ते हैं। अच्छा, ये जो नामुमकिन जो काम है वो मुमकिन कैसे करते हैं, क्योंकि ये 35 साल का जो है रिकॉर्ड जैसे नामुमकिन को ही मुमकिन करने के लिए हम चैलेंज के रूप में हम संजीव कॉलेज से निकले और बस यहाँ कदम रखे। हम जानते थे कि बहुत पीड़ादायक ये लाइन है, लेकिन सामाजिक सेवा शुरू से करते रहे हैं इसलिए इसमें खुशी भी है, और सामाजिक करते करते मैं राजनीतिक पूरी तरह से कर लिया और लोगों के बीच 35 सालों तक गुजारे हैं। 20-25 साल कांके विधानसभा में, 10 साल का हमारे नाम को खिजरी विधानसभा में, इस हिसाब से 35 साल तक हमारा राजनीतिक अनुभव है। और काफ़ी मेहनत के बल पर हमारे जनता ने, कांके की जनता ने वोट दिया, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो 35 साल का खुट्टा गाड़ के रखे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का रहा है, उस किला को ध्वस्त करने का काम किया। इतना लंबा संघर्ष के बाद आप जीते, कभी हौसला डगमगाया नहीं? जी नहीं, मेरा जब जब हम चुनाव हारे मेरा ग्राफ बढ़ता गया, इससे मेरा हौसला बढ़ता गया। जैसे कि 2009 में चुनाव लड़े थे तो 40,674 वोट लाए थे, 4,200 वोट से हम हार गए थे। जब 14 में लड़े तो 57,680 वोट लाए हैं, जब 19 में लड़े तो 89,435 वोट लाए हैं। तो इस हिसाब से मेरा वोट बढ़ता गया तो हौसला भी बढ़ता गया, एक उम्मीद जगता गया कि मुझे लोग चाह रहे हैं जिताने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कारण से हार हो जा रही थी, इसलिए हौसला मेरा कभी कम नहीं रहा, मेरा हौसला बुलंद के साथ। और क्षेत्र में इतना लगाव हो गया था कि राजनीति को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, लोगों का दुख सुख में शामिल होता था तो लोग हमेशा बुलाते थे। कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि कहीं हम नहीं रह होते थे, कोई ना कोई विधानसभा का कोई गांव में कोई टोला में चाहे दुख हो सुख हो वहाँ शामिल होते थे। एक लगाव बढ़ गया था, पारिवारिक रिश्ता बन गया था, और ये पारिवारिक रिश्ता को हम आगे भी जारी रखेंगे। जैसे अभी आप जीत कर आए हैं तो जनता को बहुत अपेक्षा होगी आपसे, तो आप किस किस देखिए, जो भी हमारे लोगों ने चुनकर हमको भेजा है बड़ी उम्मीद तो ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ बीजेपी के लोगों ने कोई काम नहीं किया है, जो भी काम करना होगा वो हम ही करना होगा, और इसके लिए हम अपने रोड मैप तैयार कर रहे हैं। मेरा चुनावी मुद्दा था कि कृषि बहुल क्षेत्र है खिलाड़ी बुढ़मू और कांके ग्रामीण क्षेत्र में,
किसानों के लिए हम सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम करेंगे, जहाँ किसानों का फसल का जो है वो वहाँ रख सके और अपना एक बाज़ार मंडी का भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। कलकत्ता से यहाँ सब्जी चली जाती है, औने पौने दाम से ब्रोकर आके यहाँ से ले जाते हैं, उड़ीसा चला जाता है और अन्य प्रदेशों में जाता है, तो उसका यहाँ मंडी व्यवस्था कैसे होगा इसके लिए हम बात करेंगे, सरकार से भी बात करेंगे कि भाई यहाँ का सब्जी का जो मूल्य होता है, जो दाम होता है वो सही मिले। इसके लिए बुढ़ू में डिग्री कॉलेज का मामला चल रहा है, बहुत दिनों से वहाँ शिक्षा का जो है स्तर बहुत ऊँचा नहीं है और वहाँ जनसंख्या भी अच्छा खासा है, वहाँ के बच्चे रांची में आके पढ़ते हैं, 40 किलोमीटर आना जाना पड़ता है, रहने का सुविधा नहीं है, गार्जियन बड़ी मुश्किल से उसको हॉस्टल देकर जो है पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ तकनीक कॉलेज खोलने के बाद बुढ़मू का से बगल में हम लोग खिलाड़ी हैं, तो वहाँ भी स्वास्थ्य सुविधा जो है बेहाल है, वहाँ CCL का एक जो है हॉस्पिटल उसमें डॉक्टर नहीं बैठते हैं, तो सबसे पहले वहाँ डॉक्टर कैसे बैठे, राज्य सरकार का डॉक्टर कैसे बैठे उसको हम सुनिश्चित करेंगे। पॉल्यूशन का वहाँ मामला है, नगर निगम में पानी की समस्या होती है, बहुत सारे दिक्कत, जैसे यहाँ हम लोग का सिंधवा टोली जो है यहाँ एदलहातू में सिंधवा टोली है, वहाँ पानी की समस्या है, मोराबादी में हरिहर सिंह रोड में है, बहुत समस्या है पानी, तो सब इस पर हम पहल करेंगे, हम जिसे वो लेंगे, हम प्रशासनिक सुधार पर भी हम विशेष ध्यान देंगे, हर ब्लॉक में एक बैठक होगी हमारी प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ में, हर थाना प्रभारियों के साथ हमारी बैठक होगी कि हमारे थाना में कितने अफसर यहाँ क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसकी भी हम रूपरेखा तय करेंगे। जो भी इंस्टीट्यूट है यहाँ हमारे, चाहे रिनपास हो, CIP हो, चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, आपका रिम्स हो, BIT में सराह है, बहुत ऐसे संस्था है, सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन जगह है, उसको कैसे हम सुदृढ़ करेंगे, कैसे उसको मजबूती प्रदान करेंगे, कैसे वहाँ लोगों को हम जो सुविधा दे सके, इस पर हम पहल करने का काम करने के ललक मुझ में है, निश्चित रूप से हम करेंगे। लोगों का ये कहना है कि पहले तो विधायक लोग जीतने के पहले तो क्षेत्र में दिखते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो विधायक क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क नहीं बनाते हैं। यही तो मेरी खासियत रही है कि मैं चुनाव हारने के बावजूद भी हम लगातार क्षेत्र के लोगों में रहे हैं, उसी का परिणाम लोग 1,33,499 वोट देकर जनता ने मुझे चुना है, तो इस पर खरा उतरने का हम काम करेंगे। तो जो कांके विधानसभा सीट से जो नव निर्वाचित जो विधायक है सुरेश कुमार बैठा को आप सुन रहे थे, जो उन्होंने अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखते हुए दिखाई दिए और उन्होंने साफ तौर पर जिस बातों का जिक्र किया, एक संघर्ष की ज़िंदगी जो है उन्होंने जिया है और कहीं ना कहीं उस संघर्ष में वो कामयाब साबित हुए हैं। तो कांके विधानसभा क्षेत्र से जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी की जो जीत हुई है, इस जीत को जो है कहीं ना कहीं एक अच्छी जीत यानी कि एक बेहतरीन जीत जो है माना जा सकता है। तो रांची से GN भारत के लिए मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।